पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी दरोगा प्रसाद सरोज ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी को लेकर दिया विवादित बयान। सांसद जी, ये जो तीनों कानून सरकार लेकर आई है केंद्र सरकार, ये आपको कैसे गलत लग रहा है? देखिए, ये तीनों जो विधेयक आया है, ये तीनों विधेयक किसान विरोधी विधेयक है। और किसान गांव में पैदा होता है, गांव से ही वह शहर तक जाता है, दिल्ली तक गया है, लखनऊ तक जाता है। और मेरा अपना कहना समाजवादियों की सोच है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जब गांव का किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, आवाम खुशहाल होगा। लेकिन जिस समय कांग्रेस सरकार थी, यही विधेयक आपको मालूम होगा, यही विधेयक कांग्रेस ले आई थी, तो भाजपा के लोगों ने विरोध किया कि नहीं, किसान विरोधी है। आज क्यों, आज जरूरत क्या पड़ गई मोदी जी को? हम तो समर्थन इनको तो करना चाहिए, किसान विरोधी ये विधेयक है, ये छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, हर विरोधी ये विधेयक है। इसलिए हम लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसका हम जो है विरोध कर रहे हैं। अच्छा सांसद जी, ये बताइए, जैसे इसमें जो है कि सरकार कह रही है कि MSP जारी रहेगी और किसानों को नहीं, लिख करके हम, आपका कहना सही है, जारी रहेगी, करें जारी। 46 पन्ने का पेज इन्होंने लिख डाला और एक नए पैसे की स्याही नहीं की, दो लाइन क्यों लिख गए आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, हमें प्राइवेट सेक्टरों को देने में हमें नहीं है, लेकिन आप तो कम से कम गारंटी तो लीजिए। आप गारंटी भी नहीं ले रहे हो, कह रहे हो कि ये लोग कांग्रेस वाले, कांग्रेस क्यों, किसान आंदोलित है, किसान का अहित हो रहा है। और अभी तो हरियाणा पंजाब को आपने देखा है, अभी तो आप बंगाल भी चलेगा, उत्तर प्रदेश चलेगा, बिहार चलेगा, पूरा देश BJP के खिलाफ है। और खिलाफ इसलिए है, इतना बड़ा देश चोट्टा बेईमान ये मोदी और जोगी, जो अपने एक बीबी को नहीं संभाल पा रहा है, न संभाल पाया, वो देश संभालने चला है, झूठ बोल करके किसानों का वोट लिया, नौजवानों का लिया कि हम काला धन वापस ले आएंगे। काला धन वापस ले आया, भारत एक है, कश्मीर में लगा दिया इसने। मैंने जो जो काम इसने कहा, एक भूखता हुआ कुत्ता गाड़ी के पीछे दौड़ता है, उसको नहीं मालूम है कि क्या मकसद है, जाता है गाड़ी के यहाँ और सूंघ करके फिर चला आता है। कोई भी विधेयक, कोई भी बिल ले आता है, फिर लौट आता है, फिर लौट आता है, जो भी कहता है उसको करता नहीं, कथनी और करनी में इसके अंतर है। योगी रडुआ, योगी के पास न बीबी है न बच्चे हैं, तो जिसके पास बीबी बच्चे नहीं, परिवार नहीं है, वो देश क्या चलाएगा, प्रदेश क्या चलाएगा बेईमान। सर, प्रधानमंत्री की बातों पर आपको विश्वास नहीं है? अरे एक पर हमको नहीं, पूरे देश को, जिस तरह ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का अगर ठग जुटाए जाए, उन ठगों का महाठग, सबसे बड़ा बेईमान, सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला धूर्त, इतना बड़ा पूरी दुनिया में कोई प्रधानमंत्री न हुआ न कोई होगा। सर, इसीलिए आप लोगों का विरोध जो है चल रहा है आज? विरोध ही नहीं है, जिस तरह से यह बेईमानी करके अभी बिहार में जीता है, 12 वोट से 17 वोट से, अभी तक पता चले रात देर तक ये गणना हो सकती है, 4 घंटे की गणना रात देर तक जाते जाते सारे लोगों को हरा दिया। सरकार बन रही थी तेजस्वी की, और उसने हरा करके सरकार बेईमानी से बना दिया। और खुद भाजपा के लोग अब इस्तीफा दे करके, क्योंकि किसान वोट देता है, नौजवान गांव के लोग इसको प्रधानमंत्री बनाए हैं, और गांव के लोग तो ही ABM पे जब आपको विश्वास नहीं है तो 2022 में कैसे आप चुनाव जीतेंगे? हम इसका विरोध कर रहे हैं और जन आंदोलन शुरू होगा, इस सड़क से लेकर के संसद तक जाएगा ये। हम लोग अब ABM पर विश्वास नहीं करते, ABM का क्या भरोसा है? अभी ABM आप लगाए हैं, VVPAT ले आकर के लगा दिया, बोलिए ना, उसमें VVPAT लगा दिया, हम वोट डालते हैं, जा रहा है ये उसमें बैलेट यूनिट में जा रहा है, ठीक है, और बैलेट यूनिट वो VVPAT को दे रहा, मैंने दे रहा है, अब कहाँ दे रहा, मैंने तो दिया बैलेट में, बैलेट यूनिट में, अब वो बैलेट यूनिट दे रहा है, किसको दे रहा है, VVPAT को दे रहा है। धन्यवाद।